हेलो कर दो। हेलो ना, क्या क्लास चीज है यार। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज है वेडनेसडे और सीन कुछ ऐसा है, अभी अभी मैं ऑफिस आया हूँ ब्रेकफास्ट वगैरह करके, थोड़ा सा लेट हो गए हम लोग और आज व्लॉग भी दोबारा लेट हो गया। आज भी 10:03 पर डला है वो, मैंने गलती से सारा कुछ डाल के रिफ्रेश कर दिया था, सारा कुछ उड़ गया था। तो चलते हैं, थोड़ा सफाई वगैरह कर लेते हैं पहले ऑफिस की, देन उसके बाद मिलते हैं। घंटे का ब्रेक लेना होगा, बैटरी हो गई है बिल्कुल लो, मुझे कम से कम एक घंटे का ब्रेक लेना है। सच में आज तो पता नहीं ऐसा क्यों फील हो रहा है, मुझे बहुत ज्यादा मन कर रहा है बाहर घूमने जाने का, पर इजाजत नहीं मिल सकती अभी कुछ टाइम तक। बहुत ज्यादा थकान हो रही है, मैं एक घंटे के लिए जा रहा हूँ कम से कम बाहर। एक ही भाई है इस टाइम तो भरतपुर में टोटा, उसी के पास जाऊंगा, उससे मिला भी नहीं हुआ सुबह से, कल रात को भी मेरे साथ मंदिर नहीं गया। चलो अब चलते हैं बेके घरी सीधा। गाइस एक दुखी खबर, तो गाइस एक दुखी खबर मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूँ। रात को क्या है, लेट नाइट तक मैं एडिटिंग करता हूँ और फिर वैसे भी फोन बहुत यूज हो जाता है, एडिट बहुत हो जाता है, एडिटिंग वगैरह सब, और इसलिए मेरी आईसाइट वीक हो गई है। मुझे पहले माइग्रेन की प्रॉब्लम भी थी, अब मेरी आंखों में और सर में बहुत ज्यादा पेन लग गया था, इसलिए डॉक्टर ने खुशखबरी दी है बहुत बढ़िया कि बधाई हो बहुत बहुत, आपको चश्मा चढ़ गया है। वाह वाह, चश्मा चढ़ गया है। मुझे सच में बहुत ज़्यादा बोझ लगता है चश्मा वगैरह, मैं नहीं चाहता था ये चढ़े, पर अब क्या कर सकते हैं, अब तो चढ़ गया। तो आज वो नंबर वगैरह पता नहीं है मुझे क्या दिया, अभी डॉक्टर ने ये बोला है कि आप नॉर्मल चश्मा लगा लो, मतलब जो आई सेट वाला नहीं होता नॉर्मल, कम से कम 15-20 मतलब महीने ही मान लो, लगभग महीने भर तक वो पहनना है, क्योंकि उससे क्या है 70% जो रेज होती है फ़ोन की वो लेंस आगे उस पर रुक जाएंगी, तो क्या पता उससे ठीक हो जाए। वैसे मुझे लग नहीं रहा उससे ठीक होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन होता है मेरी आंखों में सर में, तो मुझे अब ऐसा लग रहा है कि चश्मा अच्छा लगाना ही पड़ेगा। सत श्री अकाल वीर जी, हाँ 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 हाँ। और वीर जी की हाल चाल है? हाल चाल तो बढ़िया है। तो भाई अपने भाई को टोटा देख के बहुत ज्यादा दुख हो रहा है, पूरे कितने लोग हैं? 24 को तो नहीं, 16 को लगेगा आज, 28 है, कितने दिन हो गए? 12 दिन नहीं, 12 दिन है, 12 मतलब 11 12 दिन से बेचारा टूटा पड़ा है बेड पे, याद कर भाई वो दिन, कौन से दिन याद कर, वो दिन जब हम भाई को घूम कर घुमा करते थे आरन पे, पर याद है? अरे वही दिन आरन पे वाले दिन, वही 70-80 साल पुराना पहले वाले दिन में हम लोग घूमते थे बाइक पे। 70-80 के तो भाई नहीं। अरे यार चलो, तो गाइस आपको वीडियो दिखाता हूँ, एक ऐसे ट्रिब्यूट है, वीडियो दिखाता हूँ बाइक से, ट्रिब्यूट है, एक ट्रिब्यूट है भाई के लिए, ऐसी वीडियो हम लोग कितना एंजॉय, हम लोग कितना एंजॉय किया करते थे साथ में, करेंगे जल्दी एंजॉय करेंगे। भैया आएगा, फिर आराम कार लेकर छाछ पर आएगा, छाछ लेके आएगा भैया, आ गया हमारा क्या क्या लाया है यार, जल्दी लिया, भूख लग रही है यार बहुत जा रहा हूँ ये क्या है, ओ तेरी कसम भाई ये अबे देख फैल जाएगी, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, भैया क्या क्या लाया, देखिए ये जलेबिया है, लो गरम गरम जलेबी, आंटी जलेबी, भैया जूस आ गया है, तेरा नहीं
वो गाना कौन सा है, वो वाला जो करवा चौथ पे चलता है? नहीं, साजन जी घर आए दुल्हन क्यों शर्माए, साजन जी घर आए दुल्हन क्यों शर्माए, चम 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 चम। तो गैस खाना खा के मजा आ गया। ये आलू, ये दाल मखानी, ये मीठी दही, ये पराठे और वो कुत्ता। तो गाइस हम लोगों ने भी ले लिया है चारा, ये आगे रखा हुआ है। अब यहाँ से पहले हम लोग जाएंगे मंदिर, फिर हमारे शहर का गुरुद्वारा, फिर हनुमान जी का मंदिर। अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे पहले घर, देन उसके बाद गौ माता को एक सारा डालेंगे, फिर उसके बाद जाएंगे मंदिर। अभी टाइम हो रहा है अप्रॉक्स 7:30 बज रहे हैं अभी। कैश कहते हैं ना, प्यार से बुलाओगे किसी को सब आ जाते हैं। शानदार वाली फील आ रही है, आप सोच सकते हैं मेरे साथ होगा कौन, मेरा भाई। तो अभी मार्केट में गिरी मार रहे हैं, अभी पहले हम लोग जा रहे हैं मंदिर, उसके बाद जाएंगे थोड़ा सा ऐसे घूमने फिरने, उसके बाद दोबारा जाएंगे मंदिर। और हमारे साथ बने, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को आज कौन आया है, कौन उठा है बैठ से। तो गाइस ये रहा हनुमान जी का मंदिर, ये मैं खींच के ले आया अपने भाई को फाइनली 12 दिन बाद। ये कृष्ण भगवान जी का, ये हनुमान जी का मंदिर। तो गाइस अभी जो आपने थंबनेल देखी है मेरे ब्लॉग की, वो ये हनुमान जी मंदिर में यहाँ पर एक बाबा बैठते हैं, अघोरी हैं ये भी। और मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे अघोरी बाबा आज तक नहीं देखे जो महाकाल के साथ साथ हनुमान जी के भक्त हैं इतने बड़े। इनके बारे में अगर बताऊँ तो स्वयं हनुमान जी से, हनुमान जी ने कितनी बार इनको दर्शन दिए हैं, उसके लिए खैर बहुत बड़े लेवल की तपस्याएं चाहिए, वो हम लोगों की बस की बात है नहीं है। पर जो आप थंबनेल में देख रहे थे, मैं अभी भी जस्ट उनसे मिलकर आया हूँ, मैं वो इसी मंदिर में रहते हैं। मंदिर का एड्रेस ये है कि स्टेशन रोड पर काफ़ी आगे चलकर है मंदिर, और बहुत ही ज़्यादा प्राचीन मंदिर है हनुमान जी का, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया था हनुमान जी का मंदिर। तो बस इनकी यही स्टोरी है, और इनकी जटाएँ देखी थी ये, और सबसे बड़ी बात इनकी एज है 100+। इनकी जटाएँ इनकी कमर से भी नीचे तक, बहुत बड़ी बड़ी जटाएँ, ये नेचुरल जटाएँ इनकी। और मैं आप लोगों को मंदिर दिखाता हूँ, ये रहा वो हनुमान जी का मंदिर, बहुत नेचर नेचर वाला फील, मतलब उस टाइप का फील आ रहा है पूरा, बहुत प्यारा मंदिर बना रखा है। तो हम लोग दर्शन करने आए थे यहाँ पर, आज वेडनेसडे है, फिर भी मैं हम मतलब सुबह शाम आते हैं, पर आज मैं 4-5 दिन के बाद आया था, क्योंकि अभय को लेकर आया हूँ आज मैं, ये बहुत दिन से उठ नहीं पा रहा था, और आज इसको 13 डेज हो गए पूरे। चलो और चलते हैं। हाँ तो भाई को कैसा लग रहा है 12 दिन बाद उठ के? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। थोड़ा सा एक्सप्लेन करो अच्छे से। एक्सप्लेन कर दिया तो अच्छा लगेगा नहीं ना, कहते ना 12 दिन बाद उठ रहा है इंसान के पूरे सिर पर सफेद बाल हो, हाँ। अगले दिन वो काले हो जाए, हाँ। वो वाली खुशी है। मतलब बाहर निकलती तू ऐसा कह रहा था भैया कहाँ गए जन्नत, ऐसा लग रहा था मुंबई आ गया। मुझे भरतपुर अब ऐसा लग रहा है मैं गोवा हुआ आ गया, यार बाइक राइडिंग वाली अलग ही फील आ रही है। तो गाइस अभी हम लोग आए हुए हैं चाय वाय पीने, बहुत दिन बाद आया हूँ मैं भी अभय के साथ, तो एक एक चाय लगाएंगे। तो टोंटा सेठ को घुमा लाए हम। टोंटा सेठ कैसा लगा घूम के? शानदार। जोकर कहाँ? जोकर ये आ गया, जोकर बस। मतलब वीडियो चालू हुई नहीं, ये क्या होता है बता?
टोटा सेठ, ये देख इधर हाथ देख इसके ऊपर होगा, देख कैसा लगा घूम के, कैसा लगा घूम के, शानदार लगा। रूबी आज ऊपर आ जा, ले सूसु मत कर, सूसु कर देगी, सूसु मत कर दियो तू यार, ये तेरी मैकी है। ए इसकी आईज से ग्रीन हो गई, ओए हाथ में चाटे मत दे, हटे कैच तेरी तरह नहीं है वो, कैच टे कैच टू। अरे अंग्रेजी आती है उसे, अंग्रेजी। रूबी अटैक, सी दिस गाय नंबर 1, दे सी दिस, सी दिस गाय नंबर 1, नंबर 1, सी दिस गाय नंबर 1 बुलशिट गाय। तो गाइस हम लोग मंदिर मंदिर से तो जल्दी फ्री हो गए ना, तो जल्दी आ गए क्योंकि शुभम भाई का फोन आ गया था कि फटाफट आ जा तेरे लिए शर्ट लेकर आया हूँ। तो भाई ये शर्ट लेकर आया मेरे लिए, स्वयं वीडियो बना रहा है हमारा बड़ा भाई। तो कमेंट करके बताना आप लोगों को शर्ट कैसी लगी, मैं बहुत टाइम बाद शर्ट पहनूंगा तो फिर भी मेरे को तो सुपर ऑसम लग रही है, शानदार। और हम लोगों ने ऑनलाइन दो चीज मंगवाई थी, एक तो ये आया अमेजोन से, ये क्या है एलेक्सा, ये है एलेक्सा और ये है साइड बैग। तो ये दोनों ही चीज़ें भाई ने बड़े प्यार से मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं मंगवाई है, अपने लिए मंगवाई है, यूँ फाड़ दो ना। हाँ तो ये है साइड बैग ब्लैक कलर का, तो ब्राउन कलर मंगवाया है। हाँ थोड़ा पीछे होके बना, हल्का बना, बड़ा भी मैंने मंगवाया है ना थोड़ा, शानदार। यह है बैग ऑनलाइन ब्राउन कलर का जो साइड में पहनते हैं यूं करके, ये आप लोग कलेक्शन वगैरह पे भी ले जा सकते हो या नॉर्मल वैसे टूर वूर पे भी ले जा सकते हो, प्यारा ही लगेगा बहुत। ये भाई ने मंगवाया और ये स्पीकर आया है मेरे लिए एलेक्सा। अब इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, ये एलेक्सा। एलेक्सा प्ले काला चश्मा, तेन काला चश्मा भाई मजा आ रहा है, शानदार ही चीज मंगाई है। ये इसका चार्जर है, ये है स्पीकर एलेक्सा। तो गाइस ये एलेक्सा, ये वॉल्यूम वगैरह का बटन है, ये पावर ऑफ ऑन का बटन है। तो ओवरऑल बहुत ही शानदार चीज है, मैं अभी आप लोगों को प्ले करके भी दिखाऊंगा, बाकी ये चीज मंगाई है। तो गाइस आज का ब्लॉग इधर ही एंड करते हैं, कमेंट करके जरूर बताना ब्लॉग कैसा लगा, बाकी का वही लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, कीप लविंग कीप सपोर्टिंग, हर हर महादेव।